में रहना है तो राम राम नहीं, जय श्री राम नहीं, बल्कि अब भारत में रहना है तो मोदी योगी कहना होगा, है ना। तो हाँ, यह है न्यू इंडिया की न्यू तस्वीर जो हमारे मोदी जी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये जो मोदी योगी कहना होगा भारत में रहने के लिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहा है RPF कांस्टेबल चेतन कुमार ने। जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उस चेतन कुमार ने ये भी कहा है कि अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी योगी को ही, ये दो ही है। तो इस RPF चेतन भगत ने चार लोगों का, जी हाँ, चार लोगों का ट्रेन में कत्ल किया और उनको मौत के घाट उतार दिया सबके सामने। मामला ये कि कुछ जो है वो टॉपिक चल रही थी, बहसबाजी चल रही थी, और उस बहस ने जो है सांप्रदायिक रूप ले लिया, यानी कि वो कम्युनल रूप ले लेता है। और जाहिर सी बात है ये अपनी बात मनवा नहीं पा रहा होगा, क्योंकि बात तो इसकी मनवाने की योगी और मोदी जी की कुछ है नहीं, काम गिनवा नहीं पा रहा होगा, जिसके चक्कर में इसने आकर चिड़चिड़ाहट में उन चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बात चल रही थी, बात जो है वो बहसबाजी में तब्दीली हुई और बहसबाजी झगड़े में बदल गई, और ये जनाब उठते हैं और दनादन फायरिंग शुरू कर देते हैं और चार लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। और ये वारदात पेश आई मुंबई जयपुर की सुपर फास्ट ट्रेन में। जी हाँ, पर हाँ, इसने जो चार लोगों को मारा उसमें से एक जो था वो हिंदू था, जिनका नाम था टीकाराम मीना, जो कि एक सीनियर ऑफिसर थे। बाकी तीन का नाम है अब्दुल कादिर, मोहम्मद हुसैन और असगर। ये जो पिक आपके स्क्रीन पर दिख रही है ये असगर की पिक है, जो उस वारदात में मारा गया। असगर के बारे में आपको एक बात बता दूं कि ये वाहिद अपने घर का कमाने वाला बंदा था, यानी कि इसके घर पर पूरे, इसके कंधे पर पूरे घर की बार और जिम्मेदारी थी। इसकी चार बेटियां और एक बेटा। और स्क्रीन पर ये जो रोती बिलखती माँ दिख रही है ना, ये असगर की माँ है। तो मुझे कोई बता दे कि असगर के जाने के बाद उसके घर वालों की जिम्मेदारी का क्या, वो उसका घर जो है वो कैसे चलेगा और कौन चलाएगा। तो मोदी जी का न्यू इंडिया कटोरा वाला तैयार हो रहा है। जैसे मोदी जी ने कहा था ना, हम तो फकीर हैं, याद है ना। हाँ, तो बस मोदी जी यही तैयार कर रहे हैं हमारे न्यू इंडिया को, यानी कि मोदी और योगी ने अपने भक्तों को पूरी तरह से ज़ॉम्बीज बना दिया है, जो कि इंसान के खून के प्यासे हो गए। और जाहिर सी बात है सिफारिश पर ही नौकरी मिली होगी, है ना, तभी तो इतनी मोदी भक्ति योगी भक्ति चल रही है और उनका नाम लेकर लोगों को मारा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इनको जो है नफरत फैलाने के लिए, इस तरह से मार काट करने के लिए, लोगों को जान से उड़ा देने के लिए इनका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो यही बता रही है कि इससे जो है कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि सरकार ने ही इसे चुना है इस काम के लिए, तभी तो इसने ये काम इतनी आसानी से ये कर गुजरा और एक सीनियर ऑफिसर को भी मार डाला। और इस आदमी की दरिंदगी की लेवल और हद देख लीजिए कि मारकर एक बहते हुए खून के सामने, यानी कि मरते हुए आदमी के सामने इस तरह के भाषणबाजी दे रहा है। मोदी और योगी कहना होगा भारत में रहना है तो, वाह मोदी जी वाह। मतलब ये जब ये कन्विंस नहीं कर पाया होगा ना लोगों को, तो झगड़े में बदला होगा वो पूरा माहौल। और इसने जो है झुंझलाहट में आकर धड़ाधड़ गोलियां चला दी। मतलब ये कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसी। तो देखिए हमारे देश के हुक्मरानों ने जो है ना देश को कहां पर और किस कगार में लाकर खड़ा कर दिया है। तो होगा यही, क्योंकि गुजरात मॉडल देखकर वोट दिया है तो हर तरफ देश में खून की नदियां ही बहेंगी और इस तरह से नफरत और फसाद ही फैलेगा। वाह मोदी जी वाह, आपने हमारे देश को क्या बना दिया। अब बमों की जरूरत नहीं है, अब इंसान जो है ना वो खुद इंसानी चलता फिरता बम बन चुके हैं, बना दिया गया है उन्हें, नफरत का जहर घोल कर उनकी नसों में, उनके दिमाग में। जी हाँ, इंसानी बम बन चुके हैं ये लोग। तो जो देश के हालात चल रहे हैं इसको मद्देनजर रखते हुए सिर्फ यही बोलूंगी कि अगला वोट बहुत सोच समझ कर दें, हमारे देश के मुस्तकबिल का सवाल है। और सिर्फ हमारा नहीं, हमारा तो अब जैसे तैसे निकल ही जाएगा, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, उनका जो मुस्तकबिल है ना, फ्यूचर बहुत ही ज्यादा खतरे में। और खतरे में डालने वाला कौन है आपको पता है? क्योंकि हम हैं, सरकार लाने वाले हम, वोट देने वाले हम। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात, अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखिए, अपने हक के लिए बोलना सीखिए, जो गलत है उसको गलत बोलना सीखिए। डर किस बात का? अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया कि अपने हक के लिए और जायज हक के लिए बोलो, हक के लिए आवाज उठाओ, फिर डर किस बात का।